नदी। यहाँ पर लोग देखिए कैसे ब्रिज पर खड़े होकर आराम से देख रहे हैं कि कितना जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। वहाँ वो हम मंदिर दिखा रहे थे आपको, यहाँ पर इस तस्वीर में आप देखिए ये लोग जो हैं, वैसे यहाँ लोगों को जाने से बचना चाहिए, हम यही सलाह देंगे, क्योंकि प्रशासन भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जितना नदियों से आप दूर रहें इस वक्त वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लोगों के अंदर थोड़ी सी बेताबी रहती है कि हर कोई अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। शिव मंदिर आप देखिए, शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये त्रिशूल आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से नदी के पानी में डूबता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये नंदी महाराज आपको दिख रहे हैं, यानी कि नदी अब खुद ही शिवलिंग पर जल चढ़ाती हुई दिख रही है, तो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला के रामपुर में जहां पर बादल फटने से तबाही मची हुई है, समेजपुर खड्ड में 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से कहर बरपा रही है इसमें इस समय बारिश, और रामपुर में बादल फटने से तबाही मची है, समेज खड्ड में 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 2 शव बरामद हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई है। और मंडी के टिक्केर में 8 लोग लापता हुए हैं, वहां पर भी 2 शव बरामद हुए हैं। तो आपको बता दें कि रामपुर के भी हालात वैसे ही हैं, जहां पर बादल फटा है और उसमें तबाही का मंजर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें वहीं की है, आप देखिए किस तरीके से बादल फटने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और नदी का बहाव जो है वो सड़कों तक पहुँच रहा है। तो जो कुल्लू का जो एरिया है, मलाना में जो पावर प्रोजेक्ट है उसका जो बैराज है वो ब्रीच हुआ है, तो लोग अभी फंसे हुए हैं, रोड कनेक्टिविटी अभी बंद है, तो वहाँ पैदल जाना पड़ रहा है, तो उन लोग जो फंसे हुए उनको रेस्क्यू किया जाएगा। हाँ, अभी जो ब्रिजेस हैं सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रिजेस का, बागी पुल जो निर्मल सब डिवीजन है ये कुल्लू का, उसमें हुआ 4 मोटरेबल ब्रिजेस चले गए, और जो फुट ब्रिजेस हैं वो तो कोई 25 के से ज़्यादा बता रहे हैं। और वही बात अब करते हैं हिमाचल के कुल्लू की, जहां पर किस तरीके से लगातार प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताएं कि कुल्लू की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हिमाचल के कुल्लू से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा है, जो आसपास के इलाके उसकी चपेट में आ रहे हैं। बादल फटने से ब्यास नदी इस वक्त खतरे के निशान से बेहद ऊपर बह रही है। हालात ये हो गए हैं कि लगातार जो कुछ भी उसकी चपेट में आ रहा है वो पूरी तरह से उसे खत्म करती चली जा रही है। जलस्तर बढ़ने से मानला जो बांध है वो टूट गया है, ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के कुल्लू से, जहां पर कैसे लगातार प्रकृति अपने रौद्र रूप में एक के बाद एक बाढ़ और बारिश की तस्वीरें जहाँ एक तरफ सामने आ रही है, और पहाड़ों पर खासतौर से जहाँ कुल्लू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ब्यास नदी कैसे लगातार इस वक्त उफान पर है, मालना बांध को तोड़ दिया है, मालना बांध टूट चुका है जलस्तर बढ़ने की वजह से। हिमाचल के कुल्लू में लगातार तस्वीरें जो है वो डराने वाली हैं। तो देखिए बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार जो पहाड़ों पर नदियां हैं उनमें उफान दिख रहा है, उफनती नदियों से खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में आप देखिए नदियों का जो जलस्तर है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना भयंकर तरीके से पंधो बांध के गेट जो है वो खोले जा चुके हैं। पानी का हम बहाव बता रहे हैं कि भयंकर तरीके से बह रहा है, लेकिन पंधो बांध के गेट खोले जा चुके हैं, और इस गेट को खोलने के बाद ताकि जो पानी का बहाव है, जो पानी का एक जो पानी निकल रहा है वो अलग अलग जगह से निकलकर एक जगह पर इकट्ठा ना हो, और ऐसे में जो जलस्तर एक जगह पर बढ़ रहा है वो डाइवर्ट हो जाए, तो इस डाइवर्जन के लिए बांध के गेट को खोला गया है, पंधो बांध के गेट को खोला गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बादल फटने के बाद पहाड़ पर तबाही का खौफनाक मंजर इन तस्वीरों में दिख रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है, भारी बारिश से नुकसान की जानकारी ली, हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। हम हर जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा वहां पर घेरे हुई है, और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सीएम से बात की है। भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हो रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं बादल फट रहा है, और वहां आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, उस नुकसान की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने ली है, हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो आपको बता दें कि हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से,
और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से कि किस तरीके से हिमाचल में हाहाकार मचा है। शिमला, मंडी, कुल्लू, ये तमाम अलग अलग जगह तस्वीरें हैं। शिमला में अगर कहें तो बादल फटा है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंडी में व्यास नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। वहीं कुल्लू की अगर बात करें तो बादल फटने से वहां पर भी तबाही देखी जा रही है। मंडी में पंदोह बांध जिस पर खतरा मंडरा रहा है। कुल्लू की अगर बात करें तो मलाना बांध वहां पर टूट गया है। तो हालात आप देखिए कैसे हैं, भारी बारिश हो रही है लेकिन शिमला में बादल फटा है, मंडी में व्यास नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है और कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची हुई है। मंडी की अगर बात करें तो पंदोह बांध पर भी खतरा देखने को मिल रहा है। कुल्लू में मलाना बांध टूट गया है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर नदियां बहती हुई नजर आ रही हैं। तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं केंद्र से लेकर राज्य जो है वो किस तरीके से कदम इस पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करते हुए नजर आए हैं। आपदा प्रबंधन की बैठक जो है वो यहां पर की गई है। हिमाचल के सीएम की तरफ से जहां एक तरफ सीएम सुक्खू उनसे बात भी जेपी नड्डा और साथ ही केंद्र लगातार बनाए हुए, और वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी जो आपातकालीन बैठक है वो यहां पर बुलाई गई है और तमाम लोगों तक हर संभव मदद पहुंचे इसके प्रयास लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। और केंद्र भी यहां पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जो हर संभव मदद है वो तमाम लोगों तक पहुंचाई जा सके। आपको बताएं कि पहाड़ों पर इस वक्त लगातार जो हालात हैं वो भयावह नजर आ रहे हैं। नदियां उफान पर चल रही हैं, बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो अलग अलग जगहों से लगातार सामने आ रही हैं। मंडी की बात करें, इसके अलावा चाहे केदारनाथ की बात करें, केदार घाटी की तकरीबन यही तस्वीरें हैं। कुल्लू की आप बात कीजिए, जो है शिमला की बात कीजिए, हर जगह एक जैसी तस्वीरें इस वक्त बाढ़ और बारिश की बादल फटने की सामने आ रही है। इसे लेकर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपदा प्रबंधन की बैठक यहां पर की गई है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं जिससे कि तमाम लोगों को मदद जल्द से जल्द यहां पर पहुंचाई जा सके, क्योंकि भयावह स्थिति और भयानक तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भी पहाड़ों पर लगातार तबाही देखने को मिल रही है। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है, कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है, उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूंकि चार धाम यात्रा भी इस समय चल